अच्छा अभी हम जो है ना पढ़ने लगे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक्शंस। एक्शंस होते क्या हैं? ये मुख्तलिफ कामों को, मुख्तलिफ एक्शंस को जमा करके जो है ना हम एक मतलब के सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर उसको प्ले करके दोबारा जो है ना उन्हीं को प्ले करके जो है ना दोबारा जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। मतलब कि हमें बार बार कोई काम करना पड़ रहा हो और वो एक्शंस के थ्रू जो है ना हम उसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा करके, और फिर बार बार जो है ना जल्दी जल्दी वो अप्लाई करते हैं। तो ये एक्शन जो है हम अडोबी फोटोशॉप में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनमें डिफरेंट होगा, डिफरेंस होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट है ना थोड़ा सा। तो चले मैं आपको ना पहले ये समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि एक्शन असल में होते क्या हैं। तो सबसे पहले विंडोज में जाएं यहाँ से, और ये एक्शन का पैनल जो है ना इसको खोल के यहाँ पे रख रहे हैं इधर, ये हम यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये सेटअप जो है ना ये पहले बना हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट को क्लिक किया इस तरह, ये भी मैंने बना था। आमतौर पर जब आप पहली दफा खोलेंगे ना तो आपको ऐसे नजर आएगा ये वाला एक्शन, और ये एक फोल्डर है, ठीक है। इसको जब खोलेंगे ये सारे उसके अंदर एक्शन बने हुए हैं, ठीक है, ये वाले उसके अंदर सारे एक्शन बने हुए हैं, ये मतलब कि अडोबी इलस्ट्रेटर ने पहले से बना के रखे हुए हैं। तो ये करते क्या होते हैं, ये चले मैं इसको ना पहले ये आप फिर इनको बाद में खुद देखना कि ये करते क्या हैं, ठीक है जी वाले जी। उसमें पहले हम जो है ना इनको ये उन्होंने बनाए हुए हैं अडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने पहले से। तो चले हम इस फोल्डर को बंद कर लेते हैं, हम एक अपना एक्शन पहले रिकॉर्ड करते हैं और फिर देखते हैं कि वो होता क्या है। तो ठीक है, तो ये पहले किस तरह है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक्शन जो होता है ना सबसे पहले उसको यहाँ से एक ये फोल्डर पे क्लिक करें, एक नया फोल्डर बना लें, यहाँ के क्लिक करें तो वो कह रहा है इसका नाम क्या रखना है, तो सेट टू उसने ऑटोमेटिकली रख दिया। हम कहते हैं ठीक है ओके। तो इस फोल्डर के अंदर जो है ना अभी हम अपने एक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने से क्या मुराद होता है, देखें यहाँ पे पहले इस फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ से एक न्यू पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, तो ये कह रहा है कि आपने एक नया एक्शन बनाना है। हम कहते हैं यस, तो इसका कोई भी नाम रख लें, फर्ज कर हम कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट कुछ भी हमने नाम रख दिया इस तरह, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट। किस फोल्डर में, सेट टू में रखना है, ये देखिए डिफॉल्ट वाला सेट टू में हमने इस फोल्डर में रखना है, तो ये यहाँ पे कर दिया। आगे अब यह है कि इसकी आप हमने इसको जो है ना क्या हम शॉर्टकट के जरिए भी चलाना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर हमने यहाँ से देखें इसको हम ये भी बता सकते हैं कि इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा हो, ठीक है। फर्ज करें हम कहते हैं इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है ना F10 हो, और साथ हम शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, मतलब कि हमने उसका शॉर्टकट बता दिया कि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, और प्लस F10 ये प्रेस करेंगे तो ये एक्शन चल जाएगा, ठीक है। और आगे इसका कलर अगर कोई रखना है तो ये कलर भी कभी कभी नजर आते हैं, मैं चले बताता हूँ, ये रेड भी अभी कर दिया इसका कलर, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड अभी इसको करते हैं ओके करते हैं, या रिकॉर्ड करते देखिए क्या होता है, इसको ओके करते हैं तो ये जो है मतलब कि यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट के नाम से जो है ना ये एक एक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। और साथ ही उसकी जो है ना ये देखें ये उसकी रिकॉर्डिंग भी, ये जो होता है ना इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। रिकॉर्डिंग जो है ना जहाँ से ये प्ले वाला होता था, मैं भी बताता हूँ उसको, ये रिकॉर्डिंग जो है ना उसकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम जो भी काम करेंगे ना वो जहाँ पे जो है ना रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो चले मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो सबसे पहले देखें हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ये लेते हैं, मतलब कि ये पॉलीगॉन लेते हैं और यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रा करते हैं, ठीक है। ये इतनी छोटी सी पॉलीगॉन ड्रा की इतना, ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, मतलब उसने अभी चाहे हम 10 मिनट बाद कोई भी अगला काम करेंगे ना, रिकॉर्डिंग से मुराद ये नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग से मुराद है कि चाहे हम 2 मिनट सोचते रहें वो कुछ नहीं होगा, जब हम कुछ करेंगे तो वो यहाँ पे। तो देखिए हमने पॉलीगॉन ड्रा की ना यहाँ पे, तो देखिए उसने इस एक्शन के अंदर लिख दिया है कि पॉलीगॉन टूल जो है ना इसने ड्रा किया है, और इसका सेंटर था, कितने फासले पर था, उसका रेडियस कितनी चौड़ी कैंची, और उसकी साइडें 6 थी। तो ये उसने अपने पास जो है ना ये मालूमात जो है ना रिकॉर्ड कर ली है। अच्छा अभी हम देखें इसको, इसी को जो है ना करते हैं इस पॉलीगॉन को, ठीक है, इस पॉलीगॉन को क्या करते हैं स्केल करते हैं थोड़ा सा, शिफ्ट के साथ जो है ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो है हमने पॉलीगॉन को जो है ना उसका जो है ना वो बड़ा कर लिया, लेकिन अभी देखें यहाँ पे अभी फिलहाल पॉलीगॉन ही है ना। अच्छा इस पॉलीगॉन को जो है ना अभी देखें ये एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, अभी हम आल्ट के साथ इसकी जो है ना या इसको आल्ट के साथ इसकी कॉपी करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं आल्ट प्रेस करने लगा हूँ, इसको मूव करने लगा हूँ राइट साइड पे, और साथ शिफ्ट भी प्रेस करता हूँ, आल्ट और शिफ्ट, आल्ट साथ कॉपी हो जाएगी और शिफ्ट से ये बिल्कुल एक लाइन में जाएगा, यहाँ पे आके छोड़ देता हूँ। तो देखो जो ही मैंने यहाँ पे छोड़ा ना, तो जहाँ पे उसने लिखा कि यहाँ पे दूसरी उसने नोट कर लिया कि मैंने अभी इसको मूव किया है, ठीक है, आगे उसने लिखा भी होगा कि इसने मतलब कि हॉरिजॉन्टली मूव किया है और वर्टिकली मूव नहीं किया, और कॉपी की है यस, मतलब कि उसे आर्ट के साथ किया था ना, मतलब कि मूव नहीं किया बल्कि कॉपी भी किया, तो उसने कॉपी भी कर यहाँ पे। आगे फिर क्या करता, कंट्रोल डी में प्रेस करने लगा हूँ, कंट्रोल डी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखिए कंट्रोल डी प्रेस की इतनी दफा, 7 दफा,
तो उसने ये बताया कि इसको कहते हैं कंट्रोल डी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन। देखिए ना, जब हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो जैसे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल डी से ट्रांसफॉर्म अगेन, मतलब कि जो स्टेप किया उसको बार बार रिपीट करें। तो ये देखिए सारा कुछ इस तरह हो गया, तो उसने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब ये हम अगला क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, इन सबको जो है ना सिलेक्ट करते हैं। जहाँ हम देखें सिलेक्ट में जाएँ और ऑल सिलेक्ट ऑल, तो देखिए सारे सिलेक्ट हो गए। और ये देखिए यहाँ भी लिखा गया है सिलेक्ट ऑल, मतलब कि उसने अगला स्टेप हमने क्या किया सिलेक्ट ऑल। अभी हम इसको नीचे की तरफ करते हैं Alt के साथ, इसको जो है ना Alt के साथ इसको पकड़ के तो नीचे की तरफ, और शिफ्ट भी प्रेस करते हैं ताकि ये बिल्कुल नीचे आए, यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके छोड़ते हैं। अच्छा, एक गलती होगी, चले वो होने दी थी। उसने अभी क्या किया कि उसने वो फूल भी था पड़ा हुआ था, वो गलती से वहीं पड़ा रह गया। तो देखिए अभी जो है हमने क्या किया, उसके बाद दोबारा सेलेक्ट ऑल करने के बाद दोबारा मूव किया कॉपी, और अभी हम कंट्रोल डी दोबारा प्रेस करने लगे, कंट्रोल डी। देखिए कंट्रोल डी, तो देखिए वो ट्रांसफॉर्म अगेन जो है दोबारा वो अप्लाई कर रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए मूव जो है ये था ना, फिर ट्रांसफॉर्म अगेन, तो ये इतना बड़ा एक्शन, बैकग्राउंड को भी क्लोज करते हैं। ये देखिए ये बैकग्राउंड का जो है ना, ये हमने इतना इस तरह बना लिया एक्शन, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी हम यहाँ पे आके इसकी रिकॉर्डिंग बंद करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जाते हैं और इसको कहते हैं यहाँ पे स्टॉप, ठीक है, स्टॉप प्लेइंग रिकॉर्डिंग। इसको जब हम स्टॉप करते हैं तो ये एक एक्शन जो है ना ये रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये जो जितनी भी चीजें बनी हुई है ना, इनको अभी हम करते हैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया और इसको बैक स्पेस से डिलीट कर लिया, अभी डिलीट हो गई है। लेकिन हमारे पास जो है ना एक्शन जो है ये रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। इसको जब खोल के देखेंगे, देखें एक्शन जो है वो हमारे पास, ये देखें ये सारे का सारा उसने बताया। लेकिन अभी जो है ना हम पॉलीगॉन ड्रा कर रहे थे ना, तो ये इसको पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें, स्टेप को सिलेक्ट करें और जहां से इसको डिलीट कर दें। अच्छा, इसको अभी यस करें, तो देखें पॉलीगॉन डिलीट वाला जो है ना वो स्टेप जो है वो डिलीट हो चुका है। तो अभी देखें बाकी जो है ना, बाकी मूव किया था पहले, फिर उसको उसकी कॉपियां की थी, फिर सिलेक्ट ऑल किया था, फिर मूव किया था, फिर नीचे की तरफ लाए थे। तो ये सारा कुछ जो है ना उसने रिकॉर्ड किया हुआ अभी इस एक्शन ने, ठीक होगा इस एक्शन ने। तो अभी देखें हम क्या करेंगे, यहां से अभी पॉलीगॉन नहीं बनाते बल्कि स्टार बनाते हैं। मैंने इसलिए किया था यहां पे जो था ना, अभी मैं स्टार बनाने लगा हूं, ठीक है, इस तरह। ये देखें उतना स्टार बना दिया इस तरह। तो अभी देखें ये जो था ना, ये जो यहाँ पे पॉलीगॉन इसलिए मैं मिटाया था क्योंकि उसने अगर इस एक्शन को चलाते ना, उसने पॉलीगॉन भी खुद ही ड्रा कर देनी थी। लेकिन अभी हमने पॉलीगॉन ड्रा नहीं की बल्कि बाकी फैक्टर लगाना चाह रहे हैं, तो हमने सारा कुछ जो था कर दिया था। अभी देखें कितनी चीजें थी, अभी हम इस स्टार से वैसा ही बनाना चाहें, पहले हम इसको यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल डी डी प्रेस करेंगे, फिर सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे। तो कितने स्टेप थे ना, कंट्रोल डी डी प्रेस करेंगे इस तरह। तो अगर हमें इस तरह मुस्तकबिल में कोई टास्क, हमें हमारा टास्क हो जहाँ पे हमें मैक्सिमम बैकग्राउंड बनाना पड़े, तो उस तरह फिर जो है ना इस तरह की जो बार बार चीज़ें होती हैं वो जो है हम क्या करते हैं, उनको सेव कर लेते हैं। अभी देखें यहाँ पे सिंपल स्टार को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है ना अभी हम उसको प्ले करने लगे हैं, मतलब कि अप्लाई करने लगे हैं। देखें यहाँ पे हमने पहले ये होता है रिकॉर्डिंग वाला, बिगिनर रिकॉर्डिंग वाला, जब नया रिकॉर्ड करना हो, ये होता है उसको स्टॉप करने वाला और ये होता है उसको प्ले करने वाला, और बाकी ये सारे हमने देख रही हैं डिलीट करने वाला और ये। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें इस पे क्लिक करें, उधर से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, उधर से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड को। तो अभी देखिए हम इसको प्ले करेंगे ना, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली सारे, देखिए इसको गौर से देखें, अभी यहाँ पे प्ले करने लगा मैं, तो देखिए उसने पहले इधर को कॉपी किया लेफ्ट को, फिर यहाँ पे कॉपी किया, तो सारे स्टेप जो है ना उसने मूव करके यहाँ तक जो है ना उसने जल्दी जल्दी बैकग्राउंड बना दी। तो देखिए कितना फायदा हो गया ना हमें, अगर बार बार ये चीजें बनानी पड़े तो। ये होता है कि जो मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं ना हमारे, तो इसमें सिर्फ जो है ना मैंने देखा है कि ये जो इफेक्ट होते हैं ना ये रिकॉर्ड नहीं होते, बाकी अगर हम ग्रेडियंट लगाएं, जहाँ पे एक चीज बनाए उसके अंदर ग्रेडियंट लगाएं, वो ग्रेडियंट भी रिकॉर्ड होता रहता है, मतलब कि ग्रेडियंट जो होता है ना वो भी रिकॉर्ड हो जाता है इसके अंदर। तो ये फिर इस तरह जो है इसमें है कि जो भी चीज बनानी होती है ना, जो भी चीज बनानी होती है पहले एक दफा खुद बना के देख लें, जो भी आपने रिकॉर्ड करना होता है ना पहले एक दफा खुद बना के देख लें, फिर उसको एक दफा खत्म कर दें, फिर जब दूसरी दफा बनाना शुरू करें तो उसको रिकॉर्ड करके बनाना शुरू करें, रिकॉर्ड करके बनाना शुरू करें, और फिर जब सारी चीज़ें वैसी बन जाएंगी फिर उसको जब जहाँ पे एंड कर दें, मतलब कि पहले एक दफ़ा सीख ले बनाना जो आप बनाना चाह रहे हैं, फिर दूसरी दफ़ा उसको मटा के दोबारा बनाएं तो रिकॉर्ड करके बनाएं, फिर सेव कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते रहें। तो ये था उसको अप्लाई करने का एक तरीका, ये वाला ये जो था ना उसको अप्लाई करने का एक तरीका था, मतलब कि यहाँ पे। अच्छा, इसको भी कंट्रोल ए, यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं सेलेक्ट ऑल और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करते हैं, ये बच जाएगा, बाकी उनको बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं, ये वाला बच गया, ठीक है। ये एक तरीका था इसको जो था ना इस तरह। फिर दूसरा देखें यहाँ पे अगर जाएंगे ना इस तरह, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो एक्शन जो है ना वो बटन की मोड में नजर आए। ये देखें बटन मोड पे क्लिक करेंगे तो अभी जितने भी एक्शन थे ना वो भी देखें
उस तरह ही नजर आएंगे। ये होता है यूजर के लिए देखने, मतलब कि यूजर जिसको कैसे देखना चाह रहा है, अभी उसको इसके स्टेप मजीद नजर नहीं आएंगे, मतलब कि एक जो होता है जिसको इतना नहीं पता होता उसके लिए फिर हम इस तरह के बटन बना के देंगे, तो बटन मोड में। तो देखिए अभी जो है इसके स्टेप नहीं नजर आएंगे इसके अंदर क्या है, लेकिन देखिए वो जो हमने कलर सेलेक्ट किया था ना बनाते वक्त, ये देखिए अभी वो कलर भी नजर आ रहा है। जब हमने एक्शन जब नया बनाया था तो वहां वो कलर का पूछ रहा था कौन सा देना, तो हमने रेड कलर सेलेक्ट किया था। तो ये देखिए बैकग्राउंड का नाम है और ये कंट्रोल शिफ्ट F10 जो हमने रखा था वो भी है इसका। तो अभी इस बटन को प्रेस करेंगे फिर भी ये लग जाएगा, देखिए बटन को सिंपल एक दफा क्लिक करें, ठीक है, तो वो कहता है ऑब्जेक्ट मूव इज नॉट करंटली अवेलेबल, वो कहता है इसको कहाँ पे लगाना है, तो यूं तो चले हम कहते हैं इसको स्टॉप, पहले इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया, अभी इसको सिंपल एक दफा प्रेस कर दें इसको, तो देखें दोबारा उसने जल्दी जल्दी वो सारे स्टेप लगा दिए, ठीक हो गया। अभी आपको पता लग गया होगा कि एक्शन होते क्या है, अभी इसको दोबारा अंडू करते हैं, देखें अंडू एक एक स्टेप हो रहा है, देखें देखें एक एक अंडू स्टेप जो है ना इस तरह हो रहा है। अच्छा ये भी हो गया एक तरीका, अभी दोबारा इसको यहाँ पे ले आए वापस जो है ना बटन मोड खत्म कर दें, तो अभी ये फिर नॉर्मल मोड में आ गया, ठीक है। और इसके एक तरीका वो था, अभी हमने इसका शॉर्टकट क्या रखा था यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F10, तो देखिए मैं कंट्रोल अभी यहाँ से नहीं छोड़ूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और F10 प्रेस करने, कंट्रोल शिफ्ट दबा दी, अभी F10 प्रेस करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली फिर वही चल गया सारा कुछ। तो ये तीसरा तरीका है एक्शन को अप्लाई करने का, अभी फिर कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ ये बार बार इस तरह, तो ये फिर स्टार रह गया। अच्छा अभी ये है कि हमने अगर इसको डीबग करना हो, मतलब कि देखना भी हो कि क्या क्या करता है, तो जहाँ पे हम जो है ना इसको एक 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 करके भी चला सकते हैं, मतलब कि हम इस पे कंट्रोल क्लिक करके भी, इस पे डबल क्लिक करें ना, कंट्रोल क्लिक डबल इस तरफ, देखें कंट्रोल डबल क्लिक करूँ मैं इस पे जो है ना कंट्रोल डबल क्लिक करने लगाऊँ, तो देखें पहला स्टेप जो है ना वो अप्लाई हो गया, ये मूव वाला अप्लाई हो गया, फिर यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्म अगेन पे कंट्रोल डबल क्लिक, वो देखा फिर कंट्रोल डबल क्लिक, 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 तो देखें वो सारा जो है ना वो अप्लाई हो रहा है। अच्छा जहाँ से अगर मैं सिलेक्ट ऑल पे कंट्रोल डबल क्लिक नहीं करता तो वो क्या करेगा, सबको सिलेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि एक स्टेप हम मिस कर रहा हूँ ये वाला, तो अभी मैं इसको मूव वाला जो है ना नेक्स्ट स्टेप करने लगा हूँ, ठीक है, तो मैं कंट्रोल डबल क्लिक करने लगा हूँ नीचे वाले पे, तो देखिए उसने जो है ये स्टेप जो है जो उसमें उसको जो है ना सिलेक्ट आल वाला वो भी उसने बच्चे बीच में शामिल कर दिया, इसको शामिल करना नहीं चाहिए था, चले देखते क्यों कर लिया। तो अभी देखिए एक स्टेप कंट्रोल डबल क्लिक करते जाए वही स्टेप अप्लाई होके अगला जो है ना इस तरह अप्लाई होता जाएगा। चले जहाँ से मैं मिस करता हूँ कुछ, अभी मैं एक छोड़ के ना उससे आगे वाला ये वाला करता हूँ नीछे वाला कंट्रोल डबल क्लिक एक स्टेप छोड़ देता हूँ। अच्छा देखिए उसने जल्दी से वो जो मिसिंग था वो भी उसने पूरा कर दिया। अच्छा ये मिसिंग पूरा कर देता है, मेरे ख्याल में ये नहीं करता था। तो चले ये हो गया फिर इसका जो है ना मतलब के पूरी सीक्वेंस जो भी हमने काम किए थे, तो ये देखें हमने उसको चार तरीके से अप्लाई करना भी देख लिया इसको जो है ना रिकॉर्डिंग को। तो ये फिर कुछ है हमारा जो है ना इसमें एक्शंस के बारे में। तो इसमें मतलब कि सिंपल आपने ना कोई भी इफेक्ट लगाने हो जब किसी चीज़ पे और वो आपको बार बार इस्तेमाल करना है, सिंपल एक्शंस क्या होते हैं, मुख्तलिफ एक्शंस का मजमू होते हैं जो कि हम सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया, तो फिर हम उसको जो है ना दोबारा जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक्शंस निकलते हैं कहाँ से, विंडोज में जाएंगे और एक्शन यहाँ से निकलते थे फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं एक नया फोल्डर भी बना लिया हमने, उसके बाद यहाँ से ये एक्शन बनाने के लिए, ये फोल्डर बनाने के लिए नया, ये उसके अंदर एक्शन बनाने के लिए, ये किसी एक्शन का स्टेप या कोई एक्शन डिलीट करना उसके लिए, फिर आगे जो ये वाला बटन जो है एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, फिर ये है उसको मतलब के खत्म रोकने के लिए, और ये है उसको किसी अप्लाई करने के लिए। तो इसमें जो है Adobe Illustrator के अंदर एक्शन का जो मेरे मतलब रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब भी आपने कोई इस तरह का कोई सेव करना हो ना एक्शन मुख्तलिफ स्टेप्स, तो पहले एक दफ़ा खुद बना के देख लें, तो वो स्टेप जो है ना ज़ेन मशीन कर लें, फिर उसके बाद जो है ना सारा कुछ डिलीट करके दोबारा जब बनाना शुरू करें तो वो फिर साथ साथ रिकॉर्डिंग करते रहें, और जब सारा रिकॉर्डिंग से मराद ये भी देखें कि रिकॉर्डिंग से मराद ये है कि ये एक मूवी रिकॉर्डिंग नहीं है कि एक घंटे की मूवी है, तो एक अभी आपने एक क्लिक किया तो चाहे एक घंटा इल्यूस्ट्रेटर को छोड़ दें इधर इस तरह पड़ा रहे, फिर जब दूसरा करेंगे तो वो सिंपल ये करेगा किसने पहले कॉपी किया था उसको फिर उसने डुप्लीकेट किया इस तरह, तो वो इस तरह की चीज़ें याद रखेगा चाहे बाद में 10 मिनट आप बैठे रहें कुछ नहीं करेगा। तो जब आप स्टेप खत्म कर देंगे तो वो उस तरह सारे स्टेप सेव कर लेगा, फिर उसको आप अप्लाई कर दें किसी चीज़ पे भी, तो क्या होगा कि हम जो बार बार टास्क करते हैं, फर्ज करें हम मुख्तलिफ तस्वीरों पे फ्रेम लगाना चाह रहे हैं या मुख्तलिफ तस्वीरों की ओपेसिटी कम करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की ब्लेंड मोड चेंज करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप काम करेंगे वो एक ही स्टेप में, फर्ज करें एक तस्वीर है उसको पहले हमने उसके ऊपर एक फिल लगाई, उसके ऊपर फिर एक कलर लगाया, उसको थोड़ा छोटा बड़ा किया, फिर उसके ऊपर उसकी ओपेसिटी कम की, तो देखिए कितने जो स्टेप होते हैं ना इस तरह हमने किए उसके, तो वो सारे स्टेप जो है ना यहाँ पे सेव कर लें और फिर जब भी कोई चीज़ आए तो वहाँ पे अप्लाई कर दें, तो वो जल्दी जल्दी वो सारे स्टेप जो है ना वो अप्लाई हो जाएंगे इस तरह। तो ये था फिर हमारा एक्शंस का छोटा सा तारफ, ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।